आप देख रहे हैं TNB। क्या फूड कंपनी से कोई जुड़कर करोड़पति बन सकता है? ये तो थोड़ी हैरानी वाली बात है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। मैं आपको बता दूं कि जोमेटो एक ऐसा फूड कंपनी बन गया है जिसने शेयर मार्केट में कुछ ज्यादा ही धमाकेदार एंट्री कर दी है, जिसके कारण 18 लोग भारतीय रुपए के हिसाब से करोड़पति और अमेरिकी डॉलर में मिलेनियर बन गए हैं। फूड डिलीवरी चैन जोमेटो ने शुक्रवार को शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री की। जोमेटो के शेयर इसकी IPO में तय की 76 रुपए से करीब 51% बढ़त के साथ BSE पर 115 रुपए पर लिस्ट हुआ। इसके साथ जोमेटो से जुड़े 18 लोग रुपए में करोड़पति और अमेरिकी डॉलर में मिलीनियर बन गए। शुक्रवार को कारोबार खत्म होने पर कंपनी के कोफाउंडर और CEO दीपेंद्र गोयल की नेटवर्थ 4,650 करोड़ रुपए पहुंच गई। दीपेंद्र की जोमेटो में 5.5% हिस्सेदारी है, जिसमें स्टॉक्स भी शामिल है। इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के कोफाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर गुंजन पाटीदार के शेयरों और स्टॉक्स की कीमत 363 करोड़ रुपए पहुंच गई। इसी तरह एक और कोफाउंडर और न्यू बिजनेस के हेड मोहित गुप्ता के स्टॉक्स की कीमत 195 करोड़ रुपए हो गई। गौरतलब है कि जोमेटो का शेयर शुक्रवार को अपने इश्यू प्राइस 76 रुपए से करीब 51% प्रीमियम पर 115 रुपए पर लिस्ट हुआ था। कारोबार के अंत में यह BSE अपनी ओपनिंग प्राइस 115 रुपए से 9% ऊपर 125.85 रुपए पर बंद हुआ। इसकी IPO को भी शानदार रिस्पांस मिला था, यह 40 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में कोफाउंडर बनाए गए और सप्लाई फंक्शन के हेड गौरव गुप्ता के स्टॉक ऑप्शन की कीमत भी 179 करोड़ रुपए हो गई। कोफाउंडर आकृति चोपड़ा के स्टॉक्स की कीमत 149 करोड़ रुपए पहुंच गई। वही शुक्रवार को बाजार होने के बाद जोमेटो के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अक्षांत गोयल के स्टॉक्स की कीमत 114 करोड़ रुपए हो गई थी। कंपनी के इन अधिकारियों सहित कुल 18 लोग पहले दिन करोड़पति बन गए हैं। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को खास प्रक्रिया के तहत अपने शेयर खरीदने का मौका देती हैं, या फिर सैलरी पैकेज के तहत कुछ शेयर देती हैं। इसे एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान कहा जाता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।